हो जाती है घटनाएं। शारदा का स्थान मति में प्रवेश करके जिह्वा से आग उगलना होता है। शारदा सबसे पहले जिह्वा पे प्रभाव करती है और बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। पूरे नगर में आनंद ही आनंद बरस रहा है, पूरा नगर सजाया हुआ है, मंथरा का आगमन होता है कि पूछती है नगर की बनावट को देखकर कि देख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोगन काह उछाहू राम तिलक सुनिभाउर दाहू। पूरे नगर में भैया आनंद है, सजावट है, लोग तोरण पताके लगा के आनंद मना रहे हैं, कोई मंगल गान कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई वेद का पाठ कर रहा है, लेकिन उसको सहन नहीं हुआ, क्या दूसरे का सम्मान, दूसरे के खुशी में लोग स्वागत कर रहे हैं, उसको नहीं सम्मान सहन हुआ और लोगों से पूछती है सब कुछ जानते हुए, पूछे सी लोगन का पूछा हुआ, क्या उत्साह है नगर में। और जैसे लोगों ने कहा भगवान राम का राज्याभिषेक है तो राम तुलक सुनि भावुर दाहू। दाह कहते हैं महाराज, दाह एक ही बार प्रयोग होता ना तिवारी बाबा, अग्नि दाह। उपमा बड़ी सुंदर सुंदर दी है गोस्वामी जी ने, इसलिए मैं कथा करने से पहले कहता हूं कि भाई रामायण की हर चौपाई जीवन में घटित है, कोई ये ना सोचे कि मैं किसी को कह रहा हूं। आप ध्यान देंगे यहां दाहू, गोस्वामी जी ने उपमा दिया है कि राम के तिलक की सूचना सुनते ही मंथरा के हृदय में इतनी अग्नि जैसी जलन होने लगी जैसे मरने के बाद किसी प्रेतात्मा का संस्कार करने के बाद जलन होता। दाहू, दाह का मतलब जलाना, दाहू अग्नि प्रज्वलित हो गई हृदय में। हाँ कि हे प्रभु तमाशा ये क्या हो रहा है, और जिसे देखता हूं वही रो रहा है। करते हैं बातें हवाओं के रुख से, आदमी दुखी है औरों के सुख से, इसी तृष्णा में जगत खो रहा है, जिसे देखता हूं वही रो रहा है। गैरों के सुख से करे विचार कुबुद्धि कुजानी होई अकाज कवने विधि, किस तरीके से प्रयोग करें। यहां दो बात कही है गोस्वामी जी ने, कुबुद्धि और कुजाति। तिवारी बाबा समय को देखना है, कुजाति और जाति है। गोस्वामी जी ने कहा करई विचार कुबुद्धि कुजाति हो यकाज कवन विधि राति, अदेख लाग मद कुटुल किराती जिम गवे तक ले वो क्या ही। किस तरीके से रोकूं, कैसे इनके सम्मान को कम करूं, रोकने की चेष्टा करती है। उपमा दिया है गोस्वामी जी ने जिस तरीके से नट का उपमा है, कुजाति सब है ना, एक जाति ही होती है जिसका स्वभाव लड़ने में ही होता है, जी भर के लड़ लेना, बाद में पेट भर के खा लेना, सो जाना, सुबह फिर वही कहानी चालू कर। कुजाति के लोगों की तरह से मंत्रा ने प्रभाव किया और पहुंचती है भरत की माँ के पास कि भरत मात पही गई बिलखारी, हसी हसी रानी
पहीं गए बिल खाने। केकई भरत की माता है और मंथरा कहां गई सबसे पहले? भरत मात पहीं, भरत की माता केकई के पास गई। कैसे? बिलखानी, बिलखती हुई रोते हुए पूछ गई है और केकई ने हंसते हुआ कहा, का अनमनी, हंसी कहा हंसी रानी, क्यों उदास है, क्या बात है? हंसते हुए रानी ने कहा, ओहो इतने में तो त्रिया चरित्रम चालू हो गया। उत्तर दे ही नहीं ले ये सासु, ना उत्तर दे ना सांस ले, उत्तर दे ये नहीं ले ये सासु, नारी चरित कर ढा रही, आंसू गिरा रही है, मकर कर रही है, मकर जप दिखा रही है, अब रानी ने उसे हंसाने की कोशिश की। देखे जब कुबुद्धि सवार होती है तो ऐसा होता है, केकई ने उसे हंसाने की कोशिश की। आज भी किसी का दिमाग खराब है उसे हंसाने की कोशिश करो, प्यार करो, समझाओ, पर वो उसे कुछ नहीं, बस अपने अपने में मस्त रहेगा, उसे सुनना ही नहीं किसी की। जाओ ऐसे अभी पहली बार रानी ने हंस के पूछा ना तिवारी बाबा, का अनमन हंसी कहा हंसी रानी, क्यों उदास है? हंस के रानी ने पूछा, अब उत्तर दे ही नहीं करे उस आंसू, नीचे का सांस नीचे, ऊपर का सांस ऊपर, आंखों से आंसू बह रहे, कोई बात कहे ही ना। फिर भी एक बार केकई ने फिर से हंस के ही पूछा है, होते वाले कहे हंसी का हरानी काल बड़ तो गालों को खींचते हुए हंसते हुए एक बार फिर के कहीं ने कहा, क्यों जी हंसी का हरानी गाल बड़ तोरे, फिर भी कुबुद्धि तो कुबुद्धि है जी, हंसी का हरानी गाल बड़ तोरे, हंसते हुए के कहीं ने कहा और कहा, मुझे पता है कि दीन लखन सिख अस मन मोरे, तुरे जरूर लक्ष्मण ने कुछ सिखा दिया ऐसा मेरा मन कहता है, तू मेरा आनंद ले रही है, या लखन की कोई बात बुरी लग रही है? देखिए एक बार समझाया, दूसरी बार फिर भी नहीं, किताबहू न बोले तेरी बड़ी पापी, इतना समझाने के बाद तबहु न बोली चेरी बड़ी पापी, इतने समझाने के बाद लाड करने के बाद तबहु न बोली, फिर भी नहीं बोल रही है। चेरी का अर्थ दासी, बड़ प
पापिन, ये पापिन फिर भी नहीं बोलती है और सांस ऐसे छोड़ती है जैसे नाग के मर जाने के बाद नागिन क्रोध में फुफकार करती रहे, इतनी जोर की हुंकार और फुफकार मारती है कि सभय रानी कह कहस किने कुशल राम महिपाल, राम भरत रिपु दमन मुनि भा कुबरी उरसा। कहती है मुझे जो लग रहा है सुनो कि कत सिख दे हम ही को माई गालू करब कही कर बल पाई, राम ही छाणी कुशल कही आज जही जने सु दे जुबरा। अब बोले मैं किसके लिए बोलूंगी, तुम्हें पता है आज इस नगर में कोई सुखी है ही नहीं सिवाय राम के, आज इस नगर में कोई सुखी है ही नहीं। राम इसलिए खुश है क्योंकि उनको राजा बनाया जा रहा है, और तेरी समझ में नहीं आ रही है कि भयो कौशल्य ही विधि अति दाहिनी देखत गर्व राहत मुरना, देखूं कसना जाय सब शोभा जो अवलोक मोर मन छे। अरे के कही कौशल्या की तो विधि दाहिने हाथ है, आज लोग कहते ने भी आपके तो प्रभु की कृपा है, जो चाहो वही हो जाए, मिट्टी को हाथ लगाओ तो सोना हो जाए। मंथरा कहती है केकई आज तो कौशल्या का आनंद ही नहीं समा रही है, आनंद लूट रही है, देखत गर्व रहत उर लाए, उसके हृदय की गर्विकता को उसके हृदय की उल्लास को देखते ही बन रहा है। देखो कस न जाई सब शोभा, जाकर देखो घर उजाड़न वाली मंथरा, वो तो उजाड़ने की बात करेगी ना बसाने की। इसलिए कहते हैं समझदारी से परिवार चलता है, और ढाई इंच की जुबान पे जब नागिन बैठ जाए तो भरोसा नहीं किसे डंस कर। आपने कभी नहीं देखा तो बताओ, कुत्ता और नागिन ये दोनों गुस्से में एक ही काम करते हैं, आप समझ सकते हैं ना क्या करते हैं? कुत्ता और नागिन दोनों एक ही काम करते हैं, कुत्ता जब गुस्से में आवे तो खुद को काट ले, और नागिन गुस्से में आवे तो अपनी पूंछ को मुंह में भर ले, प्रमाणिकता की बात है। यहां समझा रही है कि जाकर देखो, और समझाने का तरीका भी देख लीजिए, बड़ा सुंदर कमजोर जगह पे चोट मारती है नागिन। कहती है पूत विदेश न सोच तुम्हारे, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जान दिया बस नींद बहु
भट चतुराए देखिए कितनी मार्मिक बात कहती है, पूत विदेश न सोच तुम्हारे के कई, तुम्हें पता है तुम्हारे दोनों बेटे परदेश में हैं। आपको लगता है कि दशरथ आपके बस में है, लेकिन आप उनकी कपट भरी चाल को नहीं समझती कि नींद बहुत प्रिय सेज कुम्हें तो तोसक पलंग पे सोनकर आनंद लेने की जो आदत है। क्यों जी कहे नींद बहुत प्रिय सहज तुराई, तुम्हें बहुत प्यारी लगती है ना नींद, पलक पे पड़े होकर सोने रहने की आदत है। लखो न भूप कपट चतु, तुम राजा की कपट भरी चाल को नहीं समझती हो। तो सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रान अब रहु अरगानी। अभी तक शारदा का प्रभाव केकई पे नहीं पड़ा, चुकी और डांट कर बोली चुप हो जा तू, दोबारा ऐसा मत बोलनिया, और अगर दोबारा बोलेगी तो क्या होगा कि पुनिया सका बहू कहसी घर पोरी घर पोरी कई ने कहा सुन पुण्यस कबहु कहसि घर पुण्या नी दोबारा अस कहसि, दोबारा फिर अगर कैसा कहा घर फोड़ने वाली चुड़ैल घर फोड़ी तो तब धर जीभ कड़ावऊं तो तेरी जुबान खींच के हाथ में दे दूं। लेकिन सौ सौ जूते खाए तमाशा घुस के देख, जिनकी आदत बिगड़ गई वो कभी सुधरे ही ना। कि कहने खोरे कुबरे गौड़ा में तिवारी जी, आगे वाली लाइन बदल देता हूं कि कहने खोरे कुबरे कुटिल कुचाले जानी विशेष पुनिचेर कही भरत मात मुसका। काना खोरा कुबरा कुटिल और कुचाली, इनकी बातों को ध्यान माना रखते हुए हल्की सी मंद मुस्कान भरत की माँ यानी केकई मुस्करा दी कि प्रिया बदनी सीख दीन हो तो सपन हो तो पर उपनमो
सुंदर बात कही है यहां पर केकई ने। केकई ने कहा प्रिय बदनी सिख दीनो तो ही, परम प्रिय मंथरा मेरी सखी मेरी स्तुति सुन, ये मैंने तुझे शिक्षा दी है कि सपन हूं तो पर कोप ना मोहि, मुझे स्वप्न में भी कभी तुझ पर क्रोध नहीं, नहीं। और सुन, तू कहती है ना राम का राज्य अभिषेक, तो सुदिन सुमंगल दायक सोई, मेरे लिए शुभ दिन वही होगा, सारे मंगलों को देने वाला वो दिन होगा, तोर कहा पुर जेहि दिन होई, जिस दिन तेरी मुख से निकली हुई बात पूरी हो जाएगी, राम का राज्य अभिषेक होगा, उससे सुंदर शुभ दिन मेरे लिए कुछ भी नहीं। हम भी कहते ना तेरे मुंह में घी शक्कर। और सुन कि जेठ स्वामी से सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। और वास्तव में तूने जो बात कही कि राम तिलक जो साचे ही काली, अरे मंथरा वास्तव में अगर कल ही भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है तो देव माग मन भावत आली, अगर कल ही भगवान का राजा विषय कहे तो माग माग तुझे जो भी चाहिए, तेरी मनभावन वस्तु तुझे दे डालूंगी, मेरी सखी तू मेरी प्रिय दासी। अभी केकई पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन क्या करोगे कि जिनकी आदत हो, जिनकी आदत बुरी लाखों को दर असल वो बदलती नहीं है।